An Academy. Let's crack it. क्या हाल चाल है? मैं एकदम बढ़िया हूं। आई होप आप भी बढ़िया होंगे। जो 11th से 12th मूविंग हैं, उनके लिए अनाउंसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसलिए बार बार आपको याद दिलाया जाता है। सारे सुन लो। जिनकी 2022 आईआईटी टारगेट कर रहे हैं, जो आईआईटी 2022 टारगेट कर रहे हैं, 11th से 12th मूविंग, सही है, उनके लिए न्यूक्लियस एजुकेशन का बैच अनकेडमी प्लस पर 2nd फरवरी तैयार रहिए। 2nd फरवरी, सही है। और अगर आपके मन में ये बात बैठी हुई है, सर मेरा क्या बैकलॉग है, वो बैकलॉग जनवरी में चलेगा, फरवरी चलेगा, उसके आगे चलेगा, तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2nd ऑफ फरवरी। ये हम भी अश्योर करेंगे, ये हम भी अश्योर करेंगे कि आपके 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे कवर, 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे कवर। अनिकेत, बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, समझ लो, सारे आपके 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन होगा हर सब्जेक्ट में। तो आपका अगर बैकलॉग है तो आपको फायदा हो गया, और उसके बाद हम 12th स्टार्ट कर लेंगे। 2nd फरवरी याद रखें, खुद भी याद रखें और कोई पूछे तो उसे भी बता दें। चलिए, आई थिंक लोग जुड़ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अनिकेत पूछ रहे हैं केवीपीआई आप क्यों करवा रहे हैं। अरे कई सारे बच्चों ने बोला था यार मुझे, तो मैंने कहा भाई कर लो, मैंने उनके कहने पर ऐसा। और एक बात देखिए, कितने अच्छे बच्चे हैं, ये याद दिलाते हैं कि आप एक चीज और बोला करो, कि आप एनरोलमेंट लेते समय न्यूक्लियस, बिल्कुल सही, कोड यूज करें, न्यूक्लियस कोड यूज करें, इससे आपको फी में 10% ऑफ मिल जाएगा। धन्यवाद जो बार बार मुझे ये याद दिलाता है। न्यूक्लियस कोड यूज करेंगे, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको फी में बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, आ चुके हैं सारे लोग, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे अनिकेत, जेई मेन का भी पीवाईक्यू में स्टार्ट करूंगा, जल्दी स्टार्ट करूंगा, जल्दी जल्दी जल्दी, सही है। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसा आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनकेडमी आईटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 11th क्लास का स्ट्रीम ऐसे, ये आपका 2 नवंबर, 2nd नवंबर 2014 का पेपर है। आइए साक्षी जी, गुड इवनिंग। तो भाई साहब तैयार हो जाओ, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, कोशिश करिए पहला प्रश्न बिल्कुल सही जवाब से तैयार, सही जवाब दें आप। खाता भैया ऐसा मतलब बिंदास तरीके से खुलना चाहिए, गलत मत कर देना, गलत मत कर देना। पहला सिंपल सा प्रश्न, पहला सिंपल सा प्रश्न, और ये सिंपल सा प्रश्न टोटली थियोटिकल है, टोटली थियोटिकल है। हाईएस्ट आरएफ वैल्यू इन ए थिन लेयर क्रोमेटोग्राम यूजिंग ए नॉन पोलर सॉल्वेंट ऑन ए सिलिका जेल प्लेट। अशोक, ये शायद 4th क्लास है, ये शायद 4th क्लास है, ये शायद 4th क्लास है, तो आप देख लें, बाकी 3 क्लास आपको मिल जाएगी, स्पेशल क्लासेस के सेगमेंट में जाइएगा, वहां मिल जाएगा। मेरे भाई एक चीज और याद रखिएगा, दीज क्वेश्चंस आर प्योरली रिलेटेड विथ थ्योरेटिकल सेगमेंट, पूरे के पूरे थ्योरेटिकल सेगमेंट से रिलेटेड है। क्रोमेटोग्राफी आप 11th एनसीईआरटी का एक चैप्टर है। अंकिता गुप्ता, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आपको बता दूं 11th एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, हालांकि हमने उस चैप्टर पर काम किया हुआ है, 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है प्यूरिफिकेशन, सुन लो सारे, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करके है, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है आपको, उसमें परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज नाइट्रोजन, परसेंटेज सल्फर निकालने के फॉर्मूले दिए हुए हैं,
उसमें एलिमेंट एनालिसिस दी हुई है। एलिमेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे ये दिया हुआ है। दैट्स वाई केवीपीआई ने ये क्वेश्चन पूछा है। एक और है उसमें क्रोमेटोग्राफी, जहां से ये क्वेश्चन आया है तो ये क्रोमेटोग्राफी का भी क्वेश्चन उसमें है। तो मेरे भाई ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं लगा पाएंगे, जिसने पढ़ा है तो बस केवल वही लगाना, जिसने पढ़ा है बस केवल वही लगाना। और इसका सोर्स है 11th एनसीईआरटी, 11th एनसीईआरटी। मेरे भाई आप देख सकते हैं लीस्ट पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट ऑन ए सिलिका जल प्लेट 33% लोगों का सही है, जो कि अच्छी बात है। आदित्य कृष्णा, विशाल साई, मेरे भाई इसका आंसर है आगरा। आप देखें लीस्ट पोलर है, इन चारों में अगर देखा जाए तो ये लीस्ट पोलर कंपाउंड है। लीस्ट पोलर क्योंकि ये क्या है, प्योर हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। बाकी सब आप देख सकते हैं ये पोलर थे, पोलर। ये सिंपल है, थियोरेटिकल चीज है। रुद्रांश, ये अभी शायद फिजिकल में क्लास लग रही है एंड बाकी का नहीं पता। चलिए चालू हो जाओ बेटा, इसे इसे गलत मत करना, ये क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलत करते हैं लोग। 35 जल्दीबाजी में कर देते हैं लोग गलत, जल्दीबाजी में। और कंक्लूजन पीछे वाले का कंक्लूजन है 11th एनसीईआरटी पढ़ना है। 35 टेक योर टाइम, 35 समय लो। मयूरी जी को पोल चाहिए, मयूरी जी एक बार इसे ध्यान से कर ले ताकि बिल्कुल सही हो जाए। ओके, सारे लोग पोल मांग रहे हैं। मेरे भाई मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि यहां एक कार्बन है और यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है, बस इतना ख्याल रखना। द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन द कंपाउंड इज, बोल दिया जाए। चलिए बोल देते हैं आपको, मेरे पास जो आंसर है मैं उसी के हिसाब से पोल दे रहा हूं, बाकी फिर अभी काउंट कर लेंगे। ओके, मेरे भाई सिग्मा बॉन्ड गिनने में भी गलती कर रहे हो आप। सिग्मा बॉन्ड गिनने में कोई कैसे गलती कर सकता है, सोचिए। मेरे भाई इसका आंसर है 17। चलो सारे लोग सुनना, केवल सिग्मा गिनना था। क्या आपको इसमें 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहे हैं, 6 के 6 सारे? बोलो, मैं ये ब्लू लेबल लगा रहा हूं उनके ऊपर। चला कह रहा हम तो खुश हो गए, अरे ब्लू लेबल है क्या? 6 के बाद ये रेड वाले 5 है, यानी रेड लेबल। 11 हो गए 11, उसके बाद ग्रीन लेवल। ये देखो ये आ गया 1, ये आया 1, ट्रिपल के अंदर 1, एक इधर और एक इधर, जोड़ लो भाई 11 और 6 17। यार ये तो सबका सही होना चाहिए, ये तो सबका सही होना चाहिए भैया। ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो, ये तो 100% से ऊपर दे देना चाहिए आपको, 120% सही होना चाहिए। 120% से नीचे नहीं चलेगा। सारे लोग देखो, और यहां पर मेरे भाई कंक्लूजन केवल इस बात पर ध्यान देना था, एक कि सीसी सिग्मा गिनना था, सीएच नहीं गिनना था, सीएच सिग्मा काउंटिंग नहीं करनी थी। इसलिए क्वेश्चन बहुत क्लियरली पढ़ो, एक। दूसरा, अगर आपका गलत है तो आप डैश हैं, बिल्कुल सही। थर्ड क्वेश्चन, मेरे भाई 100% दे दो, 100% दे दो, प्रूफ कर दो आप मनुष्य हैं, प्रूफ कर दो आप सारे के सारे मनुष्य हो, प्रूफ करो आप रोबोट नहीं हो। सही जवाब देकर ये प्रूफ करिए कि आप रोबोट नहीं हैं। चलिए जवाब,
अब आने वाला है आपके सामने, एंड ये गया पोल, पोल गया भाई साहब, 100% देना है आप सबको सही जवाब। अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने, रायता फैला दिया नालायक को मेरे भाई। ये आपने सही नहीं किया, बहुत गलत किया है आज आपने। वीकेंड है, रविवार है, रविवार को आप गलत आंसर कैसे दे सकते हैं। 59% लोगों का सही है, मात्र 59, सोचिए, वेल डन। काफी लोग का सही भी है। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, अगर आपका गलत हुआ है तो आप जरा तरीका देखिए, तरीका, क्वेश्चन हलवा है, तरीका इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर्मूला यहां छोटा है, आपको बड़ा भी मिल सकता है। हमेशा इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट चेक करो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहां जीरो है, इसका मतलब है नो पाई बॉन्ड, आपको कोई पाई बॉन्ड नहीं बनानी है, नो रिंग, कोई रिंग नहीं बनानी। क्या आप सबको पता है, सच बताओ, कि ईथर में दोनों तरफ कार्बन चेन होती है, दोनों तरफ कार्बन होते हैं, हाँ या ना? तो मेरे भाई एक तरफ फिक्स करके चलो, एक तरफ फिक्स करके चलो। केस वन, हमने मान लिया है कि ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 है। अच्छा सच बताओ, चार कार्बन में एक तुमने मान लिया, तो कितने कार्बन बचे? चार में एक मान लिया तो तीन कार्बन की चेन आई। अब तीन कार्बन की चेन पे ये वाला OCH3 दो जगह लग सकता है, दो जगह लग सकता है। तो मेरे भाई ये ईथर तुम्हें दिखाई दिया या नहीं? सारे बोलो, ये ईथर दिखाई दिया या नहीं? बहुत सिंपल है, तरीका मैटर करता है दोस्त, तरीका मैटर करता है, तरीका ध्यान से देखो। ऐसा भी हो सकता था कि ईथर के एक तरफ एक नहीं दो कार्बन हो। अगर ईथर के एक तरफ दो कार्बन होते तो टोटल चार में दो ही कार्बन बचते और आपकी कार्बन चेन हो जाती ये, और ये एक जगह पर लग जाता, जिससे ये आपको क्या प्रोवाइड करता, एक नया नवेला ईथर। बोलो मानते हो या नहीं? सारे बोलो मानते हो या नहीं? भैया गिनती गिन लो, एक एक एक, और ये है आपका जवाब। थोड़ी कंक्लूजन है कि फॉलो द कॉन्सेप्ट, जैसे यहां पर बताया गया है, आपको हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करना है। फॉलो सीक्वेंस एज मेंशन, जैसे मेंशन किया गया है, जैसे मेंशन किया गया है, एक एक केस को। एक बंदे ने कहा कि एक मिनट, ऑक्सीजन के इधर आपने एक कार्बन लिया, मैंने कहा ठीक, दो कार्बन लिया, मैंने कहा ठीक, कह रहा तीन कार्बन लो। अरे ऑक्सीजन के एक तरफ तीन कार्बन वाले केस तो बने हुए हैं ना दोस्त, तीन कार्बन वाले तो बने हुए हैं ना, देखो पहले एक तरफ तीन तो है ही। हाँ सिमी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये तो मैं तरीका सिखा रहा हूं, और मेरा टारगेट एवरेज, बिलो एवरेज, बिलो 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 एवरेज बच्चा भी होता है, तो मुझे सीक्वेंस बताना पड़ता है, मुझे सीक्वेंस बताना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए हो जाइए तैयार, पुरानी बातें भूल जाओ। टीचर वगैरह नहीं भूल सकते सर, आपको क्या पता। अरे ये तीन क्वेश्चन में कुछ गलत हुआ है तो भूल जाइए, अगले प्रश्न पर पूरा ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूं। देखो भाई सारे आ जाओ जल्दी से, बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न, लास्ट 10 सेकेंड्स, उसके बाद पोल मिलेगा आपको, 10 सेकेंड्स मात्र बाकी है। और ये गया पोल, पोल बेबी पोल, एंड पोल में ही बोल। चलिए इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। इजी था पोल, बज गया ढोल, ये किसी ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है, और हलवा क्वेश्चन है एकदम। 59% लोगों का सही है, 59% लोगों का। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खुश रहे मिस्टर पॉल, आइए जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कुछ बहुत क्लियर नहीं दिया हुआ है,
लेकिन ऑप्शंस इतने हल्के हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग जरा ध्यान से सोचिए, एल्केलाइन केमेनोफोर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सारे लोग सुनेंगे, सारे लोग सुनिएगा, एल्केलाइन केमेनोफोर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। टू ब्यूटीन ले लेते हैं, टू ब्यूटीन मेरे भाई ये है, सारे लोग देखिएगा, सारे देखो बोर्ड पर मेरे भाई, एलके लाइन केमेनोफोर एक्चुअली लो और हाई टेम्परेचर दोनों पर लिया जा सकता है। अगर ये लो टेम्परेचर है मतलब कोल्ड एलके लाइन केमेनोफोर और एक केस में नहीं है, मेरे भाई इस ध्यान से सुनना, अगर ये कोल्ड केमेनोफोर है तो उस केस में ये डबल बॉन्ड हटाकर ओएच ओएच लगाता है, ये डबल बॉन्ड हटाकर ओएच ओएच लगाता है। लेकिन अगर ये कोल्ड नहीं है, अगर ये हॉट है, पीछे वाले, अगर ये हॉट है या इवन मेंशन नहीं है, या इवन मेंशन नहीं है, ध्यान से सुन लो यही है खासियत, इवन ये मेंशन नहीं है कि ये क्या है, तो मेरे भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये इस बॉन्ड को तोड़ डालता है और एसिड बनाता है, एसिड के 2 मोल। अब इस क्वेश्चन में ये किसी ऑप्शन में है ही नहीं, ये किसी ऑप्शन में ही है, नॉट इन एनी ऑप्शन, ये किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन को कैजुअली लिख दिया गया है, ना बताया गया कोल्ड ना बताया गया हॉट। क्या आप मामले को समझ गए हैं? एंड दुबई इज आंसर, दुबई इज आंसर। मैं आप सबको बताना चाहता हूं दैट कोल्ड केमेनोफोर को बेयर्स रीजेंट बोलते हैं। क्या है मेरे भाई ये? बेयर्स रीजेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेयर्स रीजेंट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेयर्स रीजेंट क्या होता है, आपको ये बताना है, सिंपल इतना सा बताना है आपको। ओके सो जनाब, आपके प्रश्न मैंने ले लिए हैं। आर्यन करके एक बच्चा है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आई एम रेडी टू डू ऑल द हार्ड वर्क रिक्वायर्ड सर, प्लीज गाइड मी टुवर्ड्स द राइट पाथ। आर्यन आपको बहुत कुछ और शेयर करना पड़ेगा, आप किस क्लास के बच्चे हैं, 11th 12th ड्रॉपर, प्लीज ये सारी चीजें मुझे शेयर कर दें टेलीग्राम पर, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आर्यन ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।